नमस्कार दोस्तों, राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा जयपुर के किस गांव को विकसित करने हेतु गोद लिया गया है? तो दोस्तों, इस गांव का नाम है टाटियां गांव, जयपुर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। पुणे में आयोजित 71वीं अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती क्लस्टर चैंपियनशिप किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों, ये होगा देशराज धायल। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। राजधानी जयपुर शहर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? तो दोस्तों, ये जो स्थापना दिवस है ये 295वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्राज़ील में आयोजित डेफ ओलंपिक में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों, ये जो स्वर्ण पदक है ये जीतने वाले हैं गोरांसी शर्मा। अगला है UNCCD के लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 से, यानी कि किसे दिया गया है? दोस्तों, जो इसका नाम है श्याम सुंदर जानी। अगला क्वेश्चन है, लिंग अनुपात सुधारने तथा बेटियों और महिलाओं से होने वाले एनीमिया रोग से मुक्त करने के लिए बीकानेर जिले में कौन सा अभियान चलाया गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नमस्कार दोस्तों, रिको ने किस संस्थान को डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स फॉर फिटनेस पार्क के लिए नॉलेज पार्टनर बनाया? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा IIM उदयपुर। उसके बाद दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्पेन में होने वाली यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए भारत के लिए टीम में राजस्थान की एकमात्र खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा महक शर्मा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन। बाल श्रम के विरुद्ध जयपुर पुलिस ने कौन सा अभियान चलाया है? तो दोस्तों, इसका अभियान होगा ऑपरेशन खुशी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों, ये जो शिलान्यास है अशोक गहलोत के द्वारा किया गया है, यानी कि मुख्यमंत्री के द्वारा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश शासन ग्राम उद्योग विभाग द्वारा स्थानीय 14 दिवसीय मरग निर्णय एग्जीबिशन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों, ये जवाहर कला केंद्र। नमस्कार दोस्तों, हाल ही में भारतीय अंडर 18 भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा शैलेश कुमार झुंझुनू। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। जयपुर को नशा मुक्त बनाने हेतु चलाया गया अभियान कौन सा है? तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑपरेशन क्लीन स्वीप। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 66वीं राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों, ये जो किया गया है ये लावा टोंक में किया गया है और अशोक चांदना के द्वारा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में 269 गीगावाट अक्षय कृतीय उत्पादन का क्षमता को देखते हुए राजस्थान सरकार ने किस नीति को लागू किया है? तो दोस्तों, ये जो नीति है ये होगी ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने हेतु कौन सा अभियान चलाया गया है? तो दोस्तों, ये जो अभियान चलाया गया है ये चलाया गया मायड, हेलो मायड भाषारो। नमस्कार दोस्तों, राज्य पर्यटन विभाग द्वारा 2 दिवसीय विश्व सूफी संत संगीत महोत्सव जहाँ एक खुसरो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों, आंसर होगा अल्बर्ट हॉल जयपुर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय स्तर पर केरल में राउत फुटबॉल कप का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा राजस्थान यूनाइटेड FC। अगला क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण शिविर का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा तिवारी जोधपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बाल दिवस पर देश का पहला डिजिटल म्यूजियम पहली बार 14 नवंबर को कहाँ खोला जाएगा? तो दोस्तों, ये खोला जाएगा विधानसभा राजस्थान जयपुर। अगली बात करते हैं दोस्तों, हाल ही में मुख्यमंत्री ने कितने पत्रकारों को मानक अलंकार से सम्मानित किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा 18। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन RCA ने किसे मुख्य चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है? तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा सुनील अरोड़ा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में 4थी राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा अदालत का वो होगा जस्टिस वीरेंद्र सिंह। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में पहली महिला खिलाड़ी कौन है जिनको स्पोर्ट्स कोर्ट से भारतीय सेना में शामिल हुई है? तो दोस्तों, वो होगी अरुंधति चौधरी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 में अर्जुन पुरस्कार के लिए राजस्थान के किस खिलाड़ी को चुना गया है? तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा ओम प्रकाश मिठारवाल जो सीकर जिले के हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जयपुर साहित्य सम्मान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा डॉक्टर फतेह सिंह भाटी। नमस्कार दोस्तों, इंदौर में चल रही ऑल इंडिया IPSC स्केटिंग प्रतियोगिता में किसने राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा रेणुका राठौर नागौर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में विभिन्न फसलों की गिरदावरी और सर्वेक्षण का कार्य करने हेतु किस मोबाइल ऐप का उपयोग करने के निर्देश दिए गए? तो दोस्तों, आंसर होगा धरा ऐप। तो दोस्तों, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट कहाँ चलाया जाएगा? तो दोस्तों, इसका जो आंसर है यानी कि जो ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट है वो दोस्तों मरु उद्यान जैसलमेर में चलाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में मुख्यमंत्री ने जयपुर मेट्रो के किस फेज निर्माण हेतु वित्तीय मंजूरी प्रदान की है? तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा फेज 1D। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। 6 नवंबर 2022 में दिल्ली में राजस्थान के हस्तशिल्प की प्रदर्शन का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा राजविका द्वारा। नमस्कार दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा राज्य के किस स्थान पर लगाई गई है? तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा गणेश टेकरी राजसमंद। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर।
राजस्थान में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज 213 फीट कहाँ लगाया गया है? तो दोस्तों ये जो लगाया गया है ये जयपुर में सिटी पार्क जयपुर में। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, चंबल रिवर फ्रंट पर स्थापित होने वाली चंबल माता की 256 फीट की ऊंची प्रतिमा को वास्तुकार ने डिजाइन किसने तैयार किया? तो अनुप भरतिया होंगे दोस्तों इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से सम्मानित किया है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा आशा कार्यकर्ता। नमस्कार दोस्तों, डोली वंदना कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के किस स्थान पे आए थे? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा मानगढ़ धाम बांसवाड़। तो दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में G20 देशों का प्रतिनिधियों का सम्मेलन राजस्थान में कहाँ आयोजित होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा जोधपुर। तो आंसर होगा दोस्तों जोधपुर। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसे देश के पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड से सम्मानित किया है? तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो होगा प्रोफेसर रमेश अरोड़ा जो झुंझुनू जिले के हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जोधपुर में राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कब किया जाएगा, यानी कि राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो? तो दोस्तों ये होगा 11 से 13 मार्च 2023।